हे गाइस, क्या आप आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो? तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर दोनों के ऊपर सेल आ चुकी है, बट सबसे अच्छी डील्स आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलती हैं। सो कौन सा आईफोन किस प्राइस रेंज के अंदर किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। एंड ये भी कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 से, जो कि आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको SBI का कार्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे 10% का डिस्काउंट। एंड जो आपको प्राइसिंग में बताने वाला हूँ विद डिस्काउंट आपको बताने वाला हूँ। सो फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन आपको 12 देखने को मिलेगा 40,000 के अंदर, 40,000 रुपए के अंदर। बट करंटली आईफोन 12 लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, बट फिर भी अगर आपका बजट 40,000 है तो फिर आप आईफोन 12 की तरफ जा सकते हो। अगर आप 5-7 हजार रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा डाल सकते हो सो आप आईफोन 13 की तरफ जाओ, बिकॉज वो एक बेस्ट डील रहने वाले आईफोन 12 और आईफोन 13 के। आईफोन 13 आपको अमेजोन के ऊपर देखने को मिलता है 47,000 के, एंड वहां पे आपको ICICI के बैंक का कार्ड देखने को मिलता है, जहां पे 10% का डिस्काउंट एंड 47,000 आपको विद कार्ड प्राइसिंग में आपको बता। सो आईफोन 12 एंड 13 के अंदर कंफ्यूज हो तो आईफोन 13 बेस्ट डील। अब बात करते हैं आईफोन 14 और आईफोन 13। आईफोन 14 आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है 53,000 के अंदर। एंड फिर से आपको मेरा ये सजेशन है, अगर आप आईफोन 13 लेने का सोच रहे हो तो उसको डिले कर दो, आईफोन 14 की तरफ जाओ। आईफोन 14 बेस्ट डील है, बिकॉज आपको इन स्मार्टफोन के अंदर इतना प्राइसिंग कट नहीं देखने को मिलता है, एंड स्मार्टफोन आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो आईफोन 14 आपको 53,000 के अंदर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप 53,000 पे कर रहे हो तो आपके लिए आईफोन 15 बेस्ट डील रहने वाला, बिकॉज उसके अंदर भी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अब आपको करना क्या होगा, अपना प्राइस सेट करना होगा कि क्या आप 40,000 पे खर्च रहे हो, आप 47,000 पे खर्च। एंड अगर आईफोन 15 की बात करें तो वो आपको 61,000 के अंदर देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। सो प्राइसिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको अपना एक प्राइसिंग सिलेक्ट करना होगा कि मैं इतना ही पैसा जो खर्च सकता हूँ किसी स्मार्टफोन के ऊपर, उसके बाद इजीली आप अपने लिए एक स्मार्टफोन एक आईफोन परचेज कर पाओगे। एंड करंटली अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप वेट कर सकते हो कुछ दिन और कुछ महीने और बिग बिलियन सेल जो कि सितंबर के बाद आती है अक्टूबर के महीने में, एंड वहां पे आपको काफी अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं, इससे भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है, जो कि पूरे साल का बेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है वो आपको बिग बिलियन सेल के अंदर देखने को मिलता है। रीजन साफ होता है कि सितंबर के महीने में आईफोन की न्यू सीरीज लॉन्च होती है तो उसके बाद आईफोन के प्राइसिंग कम हो जाते हैं। गाइस आज के वीडियो के अंदर इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।